हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग साइंस। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनटीएस के नर्सिंग पास पेपर एमसीक्यूज, जो कि 2023 में मार्च के मंथ में 19 डेट को टेस्ट हुआ था नर्सिंग का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को कम्प्लीट देखना। इसमें जो भी ओवरऑल एमसीक्यूज आए हुए थे, जो भी थे, वो इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस पॉइंट पे होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है फ्रेंड्स, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। जबकि वाटर, व्हेन वाटर इज इन इट्स सॉलिड फॉर्म, तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो 0 डिग्री से कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एफिनिटी? एफिनिटी का एंटोनिम क्या है? एफिनिटी मतलब के वाबिस्तगी, तो इसका एंटोनिम क्या है? डिसलाइक। ई नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है फ्रेंड्स, एफिनिटी मतलब के वाबिस्तगी, डिसलाइक मतलब ना पसंदीदगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा फ्रेंड्स, द वर्ड अपोजिट कंसाइज, कंसाइज जो वर्ड है उसका अपोजिट क्या है? तो कंसाइज मतलब के मुख्तसर, और उसका अपोजिट क्या होगा? लेंदी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, द वर्क डन बाय द मैन इज, एक मैन है जो कि पुल कर रहा है, मतलब कि खींच रहा है कार्ट को, 35 मीटर डिस्टेंस जो है वो कार्ट कवर कर रहा है, और जो मैन फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 300 न्यूटन है। वर्क डन मालूम करना है तो फ्रेंड्स हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इन टू डी। एफ हमें दिया गया है, डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है 35 मीटर, तो 35 मीटर को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसमें देख लें वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ इन टू एस बाय पुटिंग द वैल्यू वी गेट 105,000 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, कह रहा है कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में होगी जब क्या होगा? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी या स्पीड यूनिफॉर्म होगी? स्पीड एंड एक्सेलरेशन दोनों यूनिफॉर्म होगी या जस्ट एक्सेलरेशन जीरो होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, एक्सेलरेशन जब जीरो होगी तो बॉडी जो है ना यूनिफॉर्म में कहा जाता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, वेलोसिटी कहा जाता है, डी अपॉन टी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूसिंग रोटेशन डिफाइंस, कि दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो इक्वल, मगर वो जो फोर्स लगा रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में लगा रही हैं। देखें जैसे कि ये और ये हैं तो मैग्नीट्यूड में इक्वल और साइज में भी इक्वल है, मगर ये क्या कर रही है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कपल। ठीक है फ्रेंड्स, सो कपल इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट किसकी है? ये हमें पता है कि सी ऑप्शन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, सेम है ये भी एमसीक्यू, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0.5 मीटर, डिस्टेंस जो है दो सेंटर, दो स्फीयर दिए गए उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है, तो ग्रेविटेशन फोर्स हमें यहाँ पे मालूम करनी है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर मालूम करनी है। वो जो स्फीयर है उनका मास दिया गया है 1000 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है, तो कैसे करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स को मालूम करने का फॉर्मूला है एफ इजिकल्स टू कैपिटल जी, कैपिटल जी जो है वो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके आगे जो फॉर्मूला है एफ इजिकल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे देख लेते हैं, मास हमें दोनों का दिया गया है, डिस्टेंस भी उनके दरमियान का दिया गया है, तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज,
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, मतलब कि आर स्क्वायर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज, जैसे कि एम वन एंड टू एम टू। तो यहाँ पे इक्वेशन दी गई है एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। जी जो है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 पावर 11। तो ये जो वैल्यू है हमें याद होनी चाहिए और बाकी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी गई है एमसीक्यू में। मास जो है वो 1000 है दोनों का और अपॉन में 0.5 को दो बार इसलिए लिखा गया है कि ये जो है आर स्क्वायर है, और उसे सोल्व करने के बाद जैसे हम मासेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे रेडियस से, तो हमें जो है ना ये आंसर मिल जाएगा। सो 2.67 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। रेड टाइड के लिए कौन सी एल्जी रेस्पॉन्सिबल होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर डिटेल में देखें तो द नेम रेड टाइड कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द ओवरग्रोथ ऑफ एल्जी कैन कॉज द कलर ऑफ वाटर टू टर्न रेड। कि रेड टाइड जो है वो किससे नेम आया है, कि जब एल्जी की ओवरग्रोथ हो जाती है तो वाटर का कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। द रेड टाइड कॉज्ड बाय डायनोफ्लेजिलेट गोनाइलेक्स यूनिसेलुलर एल्जी है, बिकॉज दिस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस पावरफुल टॉक्सिन्स दैट कैन किल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एमसीक्यू पॉइंट पूरी कंप्लीट होगी। और नेक्स्ट एमसीक्यू पॉइंट इसमें आ गई, सीफेलोरोस रिसेंस विच इज ग्रीन एल्जी, ये जो है ग्रीन एल्जी है, एंड फ्यूकस इज अ जीनस ऑफ ब्राउन एल्जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा एल्जी से रिलेटेड एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, इन आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन ई इज द, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन में ई किसको शो कर रहा है। यहाँ पे जो ई है स्पीड ऑफ लाइट को शो कर रहा है। इट्स द वर्ल्ड मोस्ट फेमस इक्वेशन, एनर्जी इक्वल्स मास टाइम द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड। इस पे कहा जा रहा है कि एक स्टोन है जिसका मास 500 ग्राम है, जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा है वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड के साथ ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रहा है, तो वहाँ पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करते टाइम काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी है। तो फ्रेंड्स हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², तो 1/2 सेम रहेगा। मास जो है वो 500 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वी स्क्वायर जो है वेलोसिटी हमें दिया गया है 20 का स्क्वायर कर लेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे कि यहाँ पे किया गया है 1/2 mv², 1/2 इंटू मास जो था 500 ग्राम था, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 0.5 आ गया। तो यहाँ पे वी स्क्वायर 20 का स्क्वायर ले लिया और इसे सॉल्व किया तो आंसर हमारा 100 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, एग लैंग मेमल्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। एग लैंग मेमल्स जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो एग लैंग मेमल्स जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, मोनोट्रीम्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इचिटनेस एंड प्लेटिपस आर द ओनली एग लैंग मेमल्स नोन एज मोनोट्रीम्स, ये दोनों जो है एग लैंग मेमल्स है जस्ट, और इन्हें हम मोनोट्रीम्स से जानते हैं, नोन एज मोनोट्रीम्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द एटीपी इज फाउंड इन, एटीपी कहाँ पे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इतने इजी भी आते हैं एमसीक्यूज, कुछ टफ आते हैं कुछ इजी आते हैं। द मेजोरिटी ऑफ एटीपी सिंथेसिस अकर्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मेजोरिटी एटीपी की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वहाँ पे होती है, विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जनरेटिंग 2 ATP मॉलिक्यूल जो है पर ग्लूकोज। जब ग्लूकोज एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो 32 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द ATP सिंथेसिस अकर्स विद इन द फोल्ड इन द आइनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आइनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होते हैं वहाँ पे ATP बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसे हम करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हेरिडिटी डिटर्मिनेंट्स आर नोन एज, जब क्रोमोसोम की अमाउंट बढ़ जाए
एक्स्ट्रा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इनमें से नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि एन्यूप्लाइडी जो है ना वो कंडीशन होती है जहाँ पे एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स की ग्रोथ होती है, या तो फिर वन और वो मोर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं या तो फिर क्रोमोसोम मिसिंग हो जाते हैं। तो ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है जिसे हम एन्यूप्लाइडी कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में एन्यूप्लाइडी नहीं है तो इसका ऑप्शन जो होगा नन ऑफ दीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, स्पोर्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द स्पोरोगोनियम ओनली बाय द डिके ऑफ गैमेटोफाइट इन। स्पोर्स जो है वो लिबरेट होते हैं स्पोरोगोनियम से जब गैमेटोफाइट की डिके होती है। तो ये जो है ना ये प्रोसेस किस में होता है, तो ये जो है इसमें होता है, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन, रिसिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है मगर यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इन रिसिया स्पोरोफाइट इज एम्बेडेड, रिसिया में जो है स्पोरोफाइट एम्बेडेड होता है, कवर होता है। द स्पोर्स आर फाउंड इनसाइड द स्पोरोफाइट, और स्पोर्स जो है स्पोरोफाइट के अंदर बनते हैं। और उसके बाद है कि द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय द डिके ऑफ सराउंडिंग थैलस टिश्यू, उसके सराउंडिंग जो थैलस टिश्यू होते हैं, थैलस टिश्यू के डिके की वजह से, टूटने की वजह से स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। द स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। ठीक है फ्रेंड्स, स्पोर जो है गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, अ फैकल्टेटिव पैरासाइट इज, फैकल्टेटिव पैरासाइट फ्रेंड्स, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या है, फैकल्टेटिव पैरासाइट जो है नॉर्मली तो वो सेप्रोफाइट होते हैं, मतलब कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, बट कैन लिव एज अ पैरासाइट अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन के अंदर वो एज अ पैरासाइट रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, अ कैविटी फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रेकियस एंड एक्यूसेटम स्टेम इज कॉल्ड, वो कैविटी जो कि प्रोटोजाइलम ट्रेकियस की डिसइंटीग्रेशन की वजह से एक्यूसेटम स्टेम में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियल कैनाल। ठीक है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्रेनियल कैनाल। ठीक है फ्रेंड्स, मैच्योर वास्कुलर बंडल सेव अ कैनाल कॉल्ड क्रेनियल कैनाल, इट इज़ वन ऑफ अ नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स इनसाइड द मेटाजाइलम एंड इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम, कॉमन सीन इन एक्यूसेटम, ये जो है ना कॉमनली हमें एक्यूसेटम में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस यूज अ प्रोटीन टू हेल्प अ सब्सटेंस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा, मतलब कि ऑप्शन जो है प्रोसेस करेक्ट होगा, कि प्रोटीन जो है हेल्प करता है सब्सटेंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करने में फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द करेक्ट वन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि प्रोटीन जो है हेल्प करती है किसी भी सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेम डिटेल में लिखा गया है कि इन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आल्सो कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मटेरियल मूव्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद असिस्टेंस ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेलुलर एनर्जी। तो इसमें जो है सेलुलर एनर्जी भी हमें इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन फ्रॉग्स द वेन दैट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम टंग इज, फ्रॉग में जो वेन जो ब्लड को लाती है टंग से, उस वेन का नाम क्या है, लिंगुअल वेन। ठीक है फ्रेंड्स, द लिंगुअल वेन इज फॉर्म्ड बाय द सब लिंगुअल, डीप लिंगुअल एंड डोर्सल लिंगुअल वेन्स, द लिंगुअल वेन्स बिगिन ऑन द डोर्सल साइड एंड अंडर द सरफेस ऑफ द टंग। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, इन विच पोर्शन ऑफ सेल राइबोसोम्स आर मैन्युफैक्चर्ड, सेल के कौन से पोर्शन में राइबोसोम्स बनते हैं, न्यूक्लियोलस में। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूक्लियोलस क्या है, डार्कली स्टेनिंग रीजन है एंड इट्स द साइट इन विच न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड, ये वो साइट है जहाँ पे न्यू राइबोसोम्स जो हैं असेंबल्ड होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड एंड असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस, राइबोसोमल प्रोटीन एंटर्स द न्यूक्लियोलस, राइबोसोमल प्रोटीन जो होती हैं वो एंटर होती हैं न्यूक्लियोलस में और कंबाइन होती है राइबोसोमल आरएनए स्ट्रैंड के साथ, ताकि दो राइबोसोमल सब यूनिट बना सके, एक स्मॉल यूनिट, वन स्मॉल एंड वन लार्ज, दैट विल मेक अप द कंप्लीट राइबोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द फिनोमेना ऑफ सल्फर शोवर इज फाउंड इन, सल्फर शोवर जो फिनोमेना है वो किस में पाया जाता है, तो पाइनस में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, द सल्फर शोवर इज अ फिनोमेना इन पाइन्स रिलेटेड देयर पोलिनेशन,
Sulfur shower involves the release of yellow pollen into the air by mature pines. The sulfur shower of pinus represents winged seeds as the release pollen is carried by air to female cones. Next MCQ हमारा the flexing or bending of our arm is done by flexing or bending जो होती है हमारी arm की वो bicep muscles के through done होती है and क्या होता है extension जो होती है हमारी arm की जब हम straight करते हैं arm को बिल्कुल तो वो triceps muscles की वजह से होती है ठीक है friends तो bending और flexing जो होती है वो bicep से होती है ठीक है friends same यहाँ पे लिखा गया है कि biceps जो होती हैं upper arm में located होती हैं और ये फ्लेक्शन करवाते हैं और ट्राइसेप्स जो होती हैं बैक ऑफ अपर आर्म होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आर्म की एक्सटेंशन के लिए ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा पायरामिडिन डेट इज एब्सेंट इन आरएनए. आरएनए में कौन सा पायरामिडिन जो एब्सेंट होता है थायामिन. थायामिन जो है वो आरएनए जो कि आरएनए में पायरामिडिन है जो कि आरएनए में एब्सेंट होता है. सो फ्रेंड्स पायरामिडिन क्या है नाइट्रोजनस बेस सिमिलर टू बेंजीन. बेंजीन सिक्स मेंबर रिंग होता है and includes cytosine, thymine and uracil as base used for DNA और RNA. ये जो bases हैं ये DNA और RNA के लिए uses हुए हैं. adenine जो है वो purine nucleobase है. adenine, guanine and cytosine are common nitrogenous bases present in both DNA and RNA while thymine is present only in DNA. जबकि RNA में thymine की जगह पर uracil होता है ठीक है friends. फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है ओनली वन ओवियल इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ डैश फैमिली. किसकी फैमिली में जस्ट वन ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी में. तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपोजिटाई वो फैमिली है जिसमें वन ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी में. एस्टीरेसी आल्सो कॉल्ड कंपोजिटाई एंड एस्टीरेसी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिलीज विथ वन ओवरी विच इज इन्फीरियर. The number of ovules present in the ovary of Asteraceae is 1. Asteraceae family को Compositae family भी कहते हैं ठीक है friends. Next MCQ हमारा the most suitable mood. ये जो है chemistry का MCQ है the most suitable mood chemical reaction for an atom having reaction for the most suitable mood chemical reaction for an atom having electronic configuration of 4d10 5s2 5p5 is. तो फ्रेंड्स इसमें पूछा जा रहा है कि वो एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s2 5p5 हो तो वो जो है कौन सा सूटेबल मोड ऑफ केमिकल रिएक्शन कर सकता है मतलब कि कौन सा केमिकल रिएक्शन उसमें हो सकता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिडॉक्स रिएक्शन. ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू है कॉर्टेक्स डेवलप फ्रॉम. कॉर्टेक्स जो है वो किससे डेवलप होता है. डर्मेटोजेन तो नहीं है इसका ऑप्शन. कॉर्टेक्स जो है वो इसमें डिटेल में बताया गया है कि डर्मेटोजेन इज द प्राइमरी मेरिस्टेम दैट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट एंड फॉर्म्स द एपिडर्मिस. डर्मेटोजेन जो होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम है जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बनाते हैं और एपिडर्मिस को बनाते हैं. पेरिप्लम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम है जो कि लोकेटेड होती है प्लीरोम एंड डर्मेटोजेन. डर्मेटोजेन एंड प्लीरोम के बिटवीन लोकेटेड होती है और ये जो है कॉर्टेक्स बनाती है. सो पेरिबलम इज द करेक्ट वन बी नंबर ऑप्शन ठीक है फ्रेंड्स. एंड प्लीरोम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम होती है दैट फॉर्म्स सेंट्रल कोर ऑफ अ प्लांट. ये जो है सेंट्रल कोर ऑफ प्लांट बनाती है ठीक है फ्रेंड्स. सो ये डर्मेटोजेन पेरिबलम प्लीरोम ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिहाज से तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. कॉर्टेक्स जो है वो किससे डेवलप होती है पेरिबलम से ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा नरिशिंग टिश्यू सराउंडिंग द स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू इन द यंग स्पोरेंजियम इज. वो नरिशिंग टिश्यू जो कि सराउंड करते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू को यंग स्पोरेंजियम में तो वो कौन से होती हैं. तो फ्रेंड्स टेप्टम जो है टेप्टम वो नरिशिंग टिश्यू है जो कि सराउंड करता है स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू को यंग स्पोरेंजियम में. तो अब यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि द टेप्टम इज़ द लेयर ऑफ न्यूट्रिटिव सेल्स. ये टेप्टम जो होती है न्यूट्रिटिव सेल्स की लेयर होती है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. फाउंड विद इन द स्पोरेंजियम ये स्पोरेंजियम के अंदर हमें मिलती है पार्टिकुलरली विद इन द एंथर. एंथर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एंथर पार्ट होता है वहाँ पर मिलती है. इट इज़ एबिलिटी टू प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना इसकी एबिलिटी होती है एज वेल एज रिलीज एंजाइम एंड हारमोन्स. ये जो एंजाइम और हारमोन्स भी रिलीज करते हैं
टेप्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रैंड्स. पॉलन ग्रैंड्स की डेवलपमेंट के लिए भी टेप्टम जो है इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये भी एमएससी का एमसीक्यू है. पासिंग ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड थ्रू द अकेस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड. हाइड्रोजन सल्फाइड का पास होना अकेस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड से तो वो क्या करेगा, नॉट अफेक्ट द विल नॉट अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो वो जो है आयनाइजेशन सल्फ्यूरिक एसिड की आयनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, फॉर्मेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम. फॉर्मेशन जो है लाइन स्पेक्ट्रम की वो हम इनमें से किस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स में फॉर्मेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम जो है हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, हाई परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर रिजल्ट इन द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इन. हाई परसेंटेज जो होती है आयनिक कैरेक्टर रिजल्ट इन द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इन. डाइपोल मोमेंट की हाईएस्ट वैल्यू को शो करती है, तो फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है एक ब्लॉक है जिसका 20 न्यूटन वेट है, उसे हम लिफ्ट कर रहे हैं 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी. तो फ्रेंड्स इसमें वेट हमें 20 न्यूटन दिया गया, हाइट हमें 6 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी जो है हमें उसका फॉर्मूला पता है कि MgH होता है. तो फ्रेंड्स वेट जो है हमें 20 न्यूटन दिया गया है, वेट क्या होता है, वेट बराबर होता है एम जी के, तो यहाँ पे एम जी की जगह हम पुट करेंगे 20 एंड हाइट हमें 6 दी गई है, तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 जूल इज़ द आंसर. ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो यहाँ तक थे ये सारे एम सी क्यू ओवरऑल, मगर मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे एम सी क्यूज रह गए हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा. अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.